राम राम दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, द ग्रेटेस्ट टाइटल रिंग ऑफ मॉडर्न एरा, द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स, हिज टाइटल रिंग्स इज कम टू एन एंड। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट टाइटल रिंग, मैं इसको क्यों ग्रेटेस्ट कह रहा हूँ, और आई थिंक इसको मैं वर्स्ट भी कह सकता था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब जब किसी बंदे का एंड होता है तो उसको आपको दिलासा देना पड़ता है, उसको आपको बताना पड़ता है कि वाकई में तेरी टाइटल रिंग एकदम कमाल की थी। और आई थिंक क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि रोमन रिंग्स के हारने के बाद का सिनेरियो क्या होगा, सारी चीज़ें डब्ल्यू कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी रहेंगी या बुरी रहेंगी, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब आज की वीडियो को मिस मत करना और पूरी वीडियो देखना आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप आधी अधूरी वीडियो देख लेंगे, काफ़ी मजा आने वाला है, इसलिए भाई साहब सब्सक्राइब ठोक दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, नंबर बात करें भाई साहब रोमन रिंग्स एक मॉडर्न एरा का कमाल का चैंपियन है, कमाल का ही बोलूंगा यार, बिकॉज देखा जाए तो रोमन रिंग्स के बारे में काफी सुपरस्टार ने कमेंट भी कर रखा है कि भले ही रोमन रिंग्स का टाइटल रिंग कम हो, रोमन रिंग्स डिफेंड नहीं करता ज्यादातर, रोमन रिंग्स एक पार्ट टाइम आ रहा है, लेकिन रोमन रिंग्स के टाइटल रिंग में एक चीज है, वो है क्वालिटी। समझ सकते हो ना, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, आपकी डेली लाइफ की बात करते हैं, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, सस्ती महंगी दो नाम होते हैं, सस्ता खरीदोगे और बड़ा थिंग सस्ती चीज़ आपको मिल तो जाएगी, बड़ा थिंग आपको उसकी लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने एक बार कोई महंगी चीज़ खरीद ली, और महंगी का मतलब है कि उस लायक महंगी चीज़, सस्ती से महंगी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपने एक लग्जरी चीज़ खरीदी हुई है तो उसकी गारंटी लॉन्ग टर्म चलेगी। सो दिस इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि रोमन रिंग्स के मैच में भले ही वो एक पार्ट टाइमर हो, उसका टाइटल डिफेंड कम हो, वो दिखता कम है, अब की बात कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब उसके मैच में मजा आता है, बिकॉज रोमन रिंग्स की स्टोलन एक वक्त था, रोमन रिंग्स की स्टोलन पीक पे होती थी, पीक का मतलब है कि मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के वक्त रोमन रिंग्स की स्टोलन पीक पे थी, बिकॉज रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन का बिट्रेल हुआ था, उसके बाद चेंबर में भाई साहब रोमन रिंग्स वर्सेस सैमी ज़ेन का जो मैच हुआ था भाई साहब, एंड में ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ेन रोमन इसको हरा देगा, समझ सकते हो, वो भी कमाल की स्टोरी लाइन थी। फिर जे उसो का जो भी देखने को मिला, एंड फिर कोडी रोड्स आया रोमन रिंग्स, एंड आफ्टर देन उसके बाद समर स्लैम इज द लास्ट प्लेस जहाँ हमें ब्लड लाइन का एक लास्ट मैच देखने को मिला था, जे उसो वर्सेस रोमन रिंग्स, उसके बाद ब्लड लाइन की स्टोरी का एंड हो चुका था, बिकॉज उसके बाद उसको खींचने का कोई मतलब नहीं था, बट इन्होंने क्या किया, जिमी उसो का हील टर्न करवा दिया अपने ही भाई को, उसको जो भी था आपने देखा ही है, उसके बाद रोमन रिंग्स का टाइटल डिफेंड और कम हो गया, उस कोई मतलब का सर पैर नहीं, एलए नाइट आया उसके बाद रॉयल रंबल में जो मैच हमने देखा, लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑन द ट्रैक आ चुकी हैं, बिकॉज कोडी रोड्स वापस आ चुका है अपने ट्रैक पर, एंड कोडी रोड वर्सेस रोमन रिंग्स आई थिंक ये लास्ट स्टोरी है जो कि आपको देखने को मिलने वाली है, बिकॉज आई थिंक आप इंजॉय कर लीजिए, अगर आप रोमन रिंग्स के फैन हैं तो आप रोमन रिंग्स को चैंपियन देख रहे हैं, 2020 समर स्लैम थे, आई थिंक समर स्लैम के बाद, सॉरी 2020 पे बैक से समर स्लैम में तो रिटर्न हुआ था, सो तब से आप रोमन रिंग्स को एज ए चैंपियन देख रहे हैं, और भाई साहब और WrestleMania 40 इन फिलाडेल्फिया इज द एंड ऑफ रोमन रिंग्स एरा, ग्रेटेस्ट एरा किस लिए होगा, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब टाइटल होल्ड करना भी काफ़ी बड़ी बात होती है, 4 सालों तक टाइटल होल्ड करना इज द बिगेस्ट थिंग, और आई थिंक आप उस सुपीरियर उस चीज़ में, और रोमन रिंग्स फिलाडेल्फिया के अंदर WrestleMania 40 के अंदर अपना लास्ट फाइनल मैच बतौर चैंपियन लड़ेंगे, और क्लियर कट है भाई साहब, अब रोमन रिंग्स को वहाँ हारना ही पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब रोमन रिंग्स को आगे चैंपियन बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, सही बता रहा हूँ, और दिस इज़ वाई ट्रिपल एच लास्ट ईयर ही रोमन इसको हरवा देता। जी हाँ, आपको मैं एक अंदर की खबर बताता हूँ, और आई थिंक आपको कोई चैनल नहीं बताएगा जो मैं आपको खबर बताने वाला हूँ आज, लास्ट ईयर WrestleMania 39 विंस मैकमैन के कंट्रोल में थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि विंस मैकमैन अभी कंट्रोवर्सी से पहले WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, आपने देखा होगा TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी था विंस मैकमैन, बिकॉज हमने देखा कि जब रॉक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन किया था वहाँ पे, विंस मैकमैन को भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो था वहाँ पे भड़वा, सो वो भड़वा वहाँ था, उस भड़वे ने WrestleMania 39 को भी क्लियर कट होस्ट किया था, मतलब आप बैक से जब देखते हैं ना कि क्लियर कट कोई बंदा माइक लगा के बैठा होता है तो वो विंस मैकमैन होता है जो कि पूरा शो कंट्रोल करता है, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रिपल एस ने सारी एरा को संभाला था 2022 की समर स्लैम से, वो समर स्लैम उसकी पहली थी कंट्रोल में, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हुआ था,
रसलमेनिया 39 को ट्रिपल एच ने सारा बनाया था, ट्रिपल एच ने सारे मैच सेट किए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंस मैकमैन ने उसी दिन सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया था ट्रिपल एस से, बिकॉज उस वक्त विंस मैकमैन ट्रिपल एस से बड़ी पावर रखता था अपने हाथ में, और टीकेओ क्लियर कट है, टीकेओ जो कंपनी है वो विंस मैकमैन पे ज़्यादा बिलीव करती थी, एक्सेप्ट टू बिलीव ट्रिपल एच। तो रसलमेनिया 39 जो कि लॉस एंजलिस में लास्ट देने को मिली थी, वो क्लियर कट विंस मैकमैन के कंट्रोल में थी, और विंस मैकमैन ने पूरी रसलमेनिया को कंट्रोल किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रसलमेनिया 39 के अंदर वो कौन से मैचेस थे जिसके रिजल्ट विंस मैकमैन ने चेंज करे थे। नंबर वन मैच था एज वर्सेस फिन बैलर। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको ऐसा क्यों, बिकॉज काफ़ी वक्त से र्यूमर था कि एज और फिन बैलर का मैच होगा और ये लास्ट मैच होने वाला है, और वहाँ पर फिन बैलर अपना डीमन करेक्टर लेके आने वाले थे, जो वो आया भी, और हेल इन अ सेल मैच था। और ट्रिपल एच के प्लान ये थे रसलमेनिया से, रसलमेनिया दिन के पहले से, कि इस मैच को फिन बैलर ही जीतेगा, बिकॉज वो डीमन वाले करेक्टर को हराना नहीं चाहता था। लेकिन भाई विंस मैकमैन ने उस करेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी और एंड ऑफ द डे इस मैच के रिजल्ट को चेंज कर दिया। आपने देखा ही होगा इस मैच में एज जीत जाता है फिन बैलर को हरा के, जिसका कोई भी मतलब नहीं था, बल्कि इस मैच में फिन बैलर को जीतना चाहिए था। तो ट्रिपल एच के डिसीजन को यहां पर क्लियर कट विंस मैकमैन ने चेंज कर दिया गया और इस मैच में एज को जितवा दिया गया। अगला मैच था भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस। अब देखिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस, ये मैच तो क्लियर कट है, ट्रिपल एच ने ही बुक किया था, बट इस मैच में कहीं ना कहीं चेंजेस किए गए थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने F5 मारी थी ओमोस को, लेकिन भाई साहब ट्रिपल एच ने F5 करने का मौका नहीं देना था। जी हाँ, ट्रिपल एच ने ये प्लान बनाया था कि ओमोस पहले ब्रॉक लेसनर को बहुत पेलेगा, चेयर से मारेगा, उससे मारेगा, उससे मारेगा, उससे मारेगा, बिकॉज ये पहले नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। लेकिन भाई साहब एंड ऑफ द डे विंस मैकमैन ने जो है इस मैच के रूल्स चेंज कर दिए थे कुछ हफ्तों में, मंडे नाइट रो में कुछ हफ्तों पहले ही, लेकिन भाई जो ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन की बात माननी, लेकिन विंस मैकमैन ने जब ये कहा कि भाई साहब नहीं, इस मैच में मैं एक और चीज चेंज करूंगा, वो ये कि ब्रॉक लेसनर क्रश कर देगा ओमोस को, सो वो तो मैं भी चाहता था, बिकॉज मैं भी ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा फैन हूं। सो ये मैच भी, सो आई थिंक ये चीज विंस मैकमैन ने कमाल करी कि ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रॉय दिखाया और डिस्ट्रॉय कर दिया ओमोस को और F5 देके मैच जीत लिया, तो ये तो बात सही थी। अब दोस्तों बात करते हैं और कौन से चेंजेस हुए। शेन मैकमैन, आपको याद होगा शेन मैकमैन का रिटर्न हुआ था और ट्रिपल एच ने वो बुक नहीं कर रखा था सेगमेंट, तो विंस मैकमैन ने फोन करके शेन मैकमैन को बुलाया इमरजेंसी में कि कोई स्टार पावर चाहिए तू आ जा, और मिस के साथ जो भी सेगमेंट हुई थी इसकी आई थिंक वो हुई थी, तो शेन मैकमैन भी बुक नहीं था और आगे वो इंजरी हो गया था, सोचो, क्योंकि भाई साहब घर बैठे किसी बंदे को बुलाओगे रिंग में परफॉर्म करवा के वो इंजरी हो जाएगा, सो ये चीज़ थी। और एंड ऑफ द डे लास्ट मैच, जी हाँ, सबसे बड़ा मैच रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल फॉर द मेन इवेंट और रसलमेनिया 39। अब इतना बड़ा मैच था, ट्रिपल एच ने बहुत मेहनत करी थी इस मैच में, बुक करने में, हाइप करने में कमाल की थी, सारे बैटिंग ओवर्स रोमन इस के खिलाफ में थे कि रोमन इस मैच को हार जाएगा, और क्लियर कट है रोमन इस मैच को हारने वाला था। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब विंस मैकमैन ने सारी स्क्रिप्ट चेंज कर दी और रिजल्ट चेंज कर दिया इस मैच का, तभी आपने देखा कि रोमन रिंग्स ने रिटेन कर लिया अपना टाइटल। जी हाँ, नहीं तो ट्रिपल एच ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो ये थे कि सोलो सिकोवा आगे रोमन रिंग्स को बीट्रे कर देगा और उसके बाद कोडी रोड्स जो है रोमन रिंग्स को पिन कर देगा, सो क्लियर कट स्टोरी फिनिश हो जाती। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, बिकॉज विंस मैकमैन का WWE कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रिपल एच की डायरेक्शन क्लियर है कि इस मैच को, इस इवेंट को कैसा बनाना है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ रोमन रिंग्स के कुछ ही दिन है बतौर चैंपियन, आप उसको एंजॉय कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद तो आप कभी भी, इसके बाद एक फैन मेरे से पूछ रहे थे भाई साहब, कमेंट करते थे, मेल भी करते हैं कि रोमन रिंग्स टाइटल हारने के बाद दोबारा चैंपियन बनेगा। भाई साहब मैं आपको एक लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे से एक चीज़ लिखवा के ले लो, अभी लिख लो, आप चाहे कॉपी ले लो, पेन ले लो, कि रोमन रिंग्स अभी चैंपियन है, लेकिन रसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंग्स जब तक रेसलिंग करेगा वो कभी भी चैंपियन नहीं बनेगा। जी हाँ, कभी भी चैंपियन नहीं बनेगा रोमन रिंग्स। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि रोमन रिंग्स की जो टाइटल रिंग है काफ़ी लंबी थी, और ये टाइटल रिंग का एंड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों तक रोमन रिंग्स का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, तो रोमन रिंग्स को भाई साहब चैंपियन बनाने का दोबारा तो कोई तुक है ही नहीं, अभी भी 10 साल बाद भी। अब रोमन रिंग्स का मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप रोमन रिंग्स को बतौर चैंपियन देख रहे हैं, ये लास्ट दिन है रोमन रिंग्स के, जो आप देख लो, उसके बाद रोमन रिंग्स को आप कभी भी चैंपियनशिप होल्ड करते नहीं देखने वाले, डैट फॉर श्योर। एंड मैं यहाँ पर बैट लगाने को तैयार हूँ, द कल्ट ऑफ रेसलिंग की बेल्ट है कि रोमन रिंग्स जब तक रेसलिंग करेगा इन फ्यूचर वो कभी भी चैंपियन नहीं बनेगा, दैट फॉर श्योर, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, अभी लिख के रख लो।
तो दोस्तों फिर रेसलमेनिया 40 के बाद होगा क्या? दोस्तों देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स की स्टोरी, मैचेस, राइवलरी सब खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। बिकॉज जब कोडी रोड्स उस मैच को जीत जाएगा तो भाई साहब क्लियर कट सब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन भाई साहब रोमन रिंग्स का एंड क्लियर नहीं होगा। बिकॉज आपको मैं एक चीज बता दूं, एक लेटेस्ट रूमर निकल के आया है। बिकॉज आपको याद होगा रोमन रिंग्स ने जितने सुपरस्टार को भी अपने करियर में फेस किया है एज अ ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में, जैसे कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, बहुत सारे सुपरस्टार है जो कि इस वक्त कंपनी में नहीं है, लेकिन कुछ सुपरस्टार है जो इस वक्त कंपनी में है, जैसे कि सेथ रोलिंस है और सैमी जेन है, जे उसो है और भी हैं यार, एक दो आदि कोई तो नाम याद नहीं, एले नाइट है, रेंडी ऑर्टन है। तो भाई साहब रूमर ये निकल के आ रहा है कि सारे बंदे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में इंक्लूड होंगे और कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश करने के लिए उनकी मदद करेंगे। मदद का मतलब ये नहीं कि कोडी रोड्स की हेल्प करेंगी, रोमन इसको हरवा दे, हम रोमन इसको फिनिशर मानेंगे अपनी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको क्लियर कट बता दूं, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मेन इवेंट के मैच में रेसलमेनिया 40 में फिलाडेल्फिया में जो होगा नाइट 2 का मेन इवेंट, यहां पर इंटरफेरेंस होगी भर भर के का मतलब है कि भर भर के इंटरफेरेंस होगी। रोमन इसकी तरफ से तो भाई साहब दो ही बंदे आएंगे, एक तो जिमी उसो और एक सोलो सिकोवा। रोक आएगा लेकिन रोक का चक्कर उल्टा है, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन दो बंदे क्लियर कट है रोमन इसका साथ देने वाले हैं, एक सोलो सिकोवा एंड दूसरा जिमी उसो। अब ये दोनों तो भाई साहब होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कोडी रोड्स की तरफ से भी सेथ रोलिंस होंगे और हो सकता है कि और भी सुपरस्टार जिसको रोमन रिंग्स ने पिछले पास्ट में परेशान किया है, जैसे कि रेंडी ऑर्टन को इंजर्ड किया था, एले नाइट की अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, काफी सुपरस्टार है जैसे कि सैमी जेन के साथ तो बहुत गलत किया था, केविन ओवेंस है। तो भाई साहब ये इंटरफेरेंस ये सबकी होगी और ये रोमन रिंग्स पर एक एक करके अपना फिनिशर मारेंगे, डेट वुड शो रोमन इसका बुरा हाल कर देंगे और रोमन इसको अपने सारी वो गलतियां नजर आएंगी कि और उसने क्या क्या किया इस गिमिक के अंदर एज ए ट्राइबल चीफ। एंड भाई साहब एंड ऑफ द डे जब रॉक, जब सोलो सिकोवा और जिमी उसो गिरे होंगे, ये दोनों मदद नहीं कर पा रहे हैं रोमन रिंग्स के, तभी भाई साहब यहाँ पे द ग्रेट वन द पीपल्स चैंप हॉलीवुड रोक की एंट्री होगी और रोमन इसको लगेगा तो सही कि रोक आके मुझे बचा लेगा, मेरा टाइटल बचा लेगा। भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, रोमन रिंग्स यहाँ पे क्लियर कट है हारेगा और रोक यहाँ पे बीटे करेगा रोमन रिंग्स को। और मैं आपको क्लियर कट लिख के देने को तैयार हूँ कि रेसलमेनिया में अगर रोमन रिंग्स हारेगा उसकी सबसे बड़ी वजह द रोक होगा और आगे फ्यूचर के लिए द रोक वर्सेस रोमन रिंग्स जो कि रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान है, अब इस मैच की शुरुआत होगी डेट फॉर श्योर। और रोमन रिंग्स का मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई साहब, एक कमाल का टाइटल रहेगा, इसका एंड ऐसे नहीं होगा, इसका एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। कोडी रोड से चैंपियन बनेगा, उसको कोई पावर नहीं रोक सकती, रोक भी नहीं रोक सकता, लेकिन भाई साहब यहाँ पर रोक रोमन रिंग्स पर अटैक करेगा जिस वजह से रोमन रिंग्स हार जाएगा अपना टाइटल, दैट फॉर श्योर। सो ये थी भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन रेसलमेनिया 40 को लेके, और आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा होता ही नजर आएगा बिकॉज ये लेटेस्ट रूमर था और सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। बिकॉज आपको इस टॉपिक पर मैं वीडियो बता काफ़ी लंबी तौर पर देता रहूँगा, जब तक रेसलमेनिया 40 नहीं आ जाती मैं आपको 2 या 3 दिन बाद गैप में ये वीडियो की एंडिंग बताता रहूँगा कि भाई साहब रोमन वर्सेस कोडी की एंडिंग क्या होगी, बिकॉज अभी काफ़ी वक्त है रेसलमेनिया को होने में और लेटेस्ट रूमर आते रहते निकल के। सो दिस इज़ वाई मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा कि भाई साहब अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। दिस इज़ वाई कि मैं आपको कहता हूँ भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE, और ठोक के कह रहा हूँ भाई साहब मज़ा आ जाएगा। जय माता दी।